बनाऊंगा क्रैब करी, ब्लू क्रैब करी। चलो किचन में चलते हैं। क्रैब को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, 3 से 4 बार मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसका ये लुक आया है। अब मैं शैलोट चॉप कर लेता हूँ, एक लंबा वाला शैलोट यानी कि लंबा सा प्याज। शैलोट नहीं मिलता तो प्याज इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको चॉप करके तेल डाल के मैं इसको पका लेता हूँ। कैसे करते हैं आइए चले देखते हैं। गैस कर लो ऑन, थोड़ा सा तेल ऐड करते हैं और प्याज इसमें डाल देते हैं। प्याज अभी हो गया है, इसको ब्राउन मत करने देना, सिंक रहने देना। अब मैं क्रैब डाल देता हूँ इसमें और पका लेता हूँ। नमक के लिए मसाला मैंने लिया है, 2 टाइप का चिली है यहाँ पे, एक कलर के लिए एक तीखेपन के लिए। ये धनिया सीड, ब्लैक पेपर कॉर्न, एक गार्लिक है यहाँ पे, इमली है, नारियल है फ्रेश नारियल, हल्दी पाउडर है। हमेशा नारियल अगर लो तो पहले एक पीस टेस्ट करके देखो, अगर कुछ अटपटा लगे तो नारियल बदल दो, नहीं तो टेस्ट कर, आपका करी का टेस्ट बिगड़ सकता है और पूरा मेहनत पुश हो सकता है। नारियल ग्रेट कर लेता हूँ। ग्रेट कर लिया है, मुझे ऐसे करना पसंद है, इसके लिए मैं हर वीडियो में करता रहता हूँ। ग्रेट कर लिया मैंने, इसको बाजू में रख लेता हूँ, बाद में डाल देते हैं, नहीं तो ये पूरा कलर चेंज कर देगा। अपने को कलर एकदम मस्त लाल दिखना चाहिए ना, कलर। पानी, कोई स्पेशल वाटर नहीं है, जस्ट नॉर्मल पानी है। अब मसाला रेडी है, तो अभी इसमें मैं इमली डाल लेता हूँ और दोबारा पीस लेता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इमली को अगर आप पहले डाल के ब्लेंड करोगे तो ये आपका मसाला जो है काला काला हो जाएगा और उतना मज़ेदार नहीं दिखेगा, इसके लिए इसको आखिर में डालते हैं। मसाला अपना रेडी है, अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं। क्रैब पक के रेडी है, तो अब ये मसाला लेने के लिए एकदम तैयार है। अब मसाला डालेंगे, इसको बॉईल करेंगे, बस फटाफट कहानी खत्म हो जाएगा। मैं ग्रीन चिली काट लेता हूं, इसका कलर देखो, कलर, इसीलिए मैंने 2 अलग अलग मिर्चियां डाली थी इसमें, एक कलर के लिए और एक स्पाइस के लिए। फ्रेश धनिया डाल लेता हूँ, जरूरी नहीं है मैं डाल लेता हूँ। ये आपका क्रैब करी रेडी है, होपफुली आप भी ऐसे ही रेसिपी बनाएंगे और एंजॉय करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।